क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्थापित होने वाले पीएसए प्लांट का कार्य सोमवार से शुरू हो गया। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने भूमि पूजन के साथ पीएसए प्लांट की स्थापना कार्य को शुरू करवाया। अस्पताल में 40 लाख की लागत से पीएसए प्लांट लगाया जा रहा है। भूमि पूजन होते ही स्थापना कार्य करने वाली टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया। इसके अलावा 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मैनिफोल्ड पाइपलाइन ऑक्सीजन प्लांट का काम भी किया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के साथ सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे व अल्ट्रासाउंड व्यवस्था को लेकर भी निरीक्षण किया। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में लोगों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने मातृ शिशु भवन का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है, जिसे शीघ्र ही लोगों की सुविधा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। दिनों से लोगों की यह डिमांड थी कि यहाँ पर जैसे पीछे भी ऑक्सीजन प्लांट का और हमारे ये सीटी स्कैन का, ये दो एक चीज़ें ऐसी थी कि बिलासपुर में लोगों की डिमांड भी थी और हमने भी, क्योंकि शुरू में जिस तरह से यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, यहाँ का वातावरण बड़ा गड़बड़ था और अपने को इनसिक्योर फील करते थे डॉक्टर्स, वो सारा माहौल भी ठीक हुआ है। आज डॉक्टर्स भी हैं तो लोगों के और मरीजों और लोग यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब निधड़क होके आते हैं। और सब लोगों का था कि यह हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर सारी सेवाएं होनी चाहिए। उसी संदर्भ में आज मैं यह कहना चाहूँगा कि आज पीएसए प्लांट जिसकी लागत 40 लाख है, उसका काम शुरू हुआ है। वो आज काम शुरू किया विधिवत रूप से, या लोगों को आने वाले दिनों में जो एटमोसफेयर से ऑक्सीजन मिलेगी उसका प्लांट, ये 40 लाख की लागत से। और दूसरा हमारा जो पाइपलाइन वाला है अंदर, जहां हम आपको भी लेके गए, वो हमारा प्लांट है, वो 70 लाख की लागत से वो भी होगा। और उनका डिस्टेंस का था ये कि 100 मीटर से ज़्यादा ना हो, ये 25 मीटर से ज़्यादा ना हो, 50 मीटर से ज़्यादा ना हो, तो हार्डली ये तो 5-10 मीटर है। इसलिए उसी तरह से आज एक डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन और ये तीन चीज़ें हमने इसकी व्यवस्था के लिए भी, हमने इससे पहले भी एमएस, सीएमओ और बाकी मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा की थी। तो यहाँ जो भी कोई आएगा वो गेट पर उतरेगा और एक ही छत में, एक ही स्टोरी में और एक ही जगह पर यह आपको डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, इसकी व्यवस्था नए तरीके से यहाँ पर, और यह सारी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की